ये एक किताब है जमायत अव्वल का। अब अंदाजा लगाएं पंजाब में जब वो निसाब तालीम मुरतब करते हैं, ये है, ये सेट है तीन किताबों का, इसका उर्दू का सेट है, उसमें पेज 56 पर है। उसमें आपको याद होगा एक दफा पहले भी बहुत बड़ा क्राइसिस बना था, किसी ने जो लिखा था कि बलोच की तारीफ किया कि बलोच पता नहीं मुर्ख की तरह है, बलोच लड़ते हैं, बलोच झगड़ते हैं, यानी बलोच जो है, जो कंसेप्ट है या लफ्ज बलोच के बानी क्या है, तो आपको याद होगा कि बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे इशू क्राइसिस बना, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने उसकी निशानदेही भी की, मैं उनका मशकूर हूँ, फिर वो मसला किसी तक हल हो गया। लेकिन अभी तक, अभी भी इस वक्त पंजाब में ये किताब पढ़ाई जा रही है, क्लास अव्वल का है। इसमें उन्होंने अम लफ्ज जुबान जो कहते हैं, या वो अल्फाज जो हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मफहूम और अफहाम के हवाले से, उन्होंने एक लफ्ज ईजाद किया है दबोच, ठीक, दबोच। अब दबोच के मुकाबले में आम अल्फाज आवाज उन्होंने क्या किया है, बटोट, टकोर और बलोच। अब अंदाजा करें, यानी दबोच के बाद कंसेप्ट तो वैसे ही बड़ा एग्रेसिव सा आता है, बड़ा ही मतलब किसी को दबोचने के, तकलीफ देने के, कोई दहशतगर्द है दबोच लिया, कोई मुजरिम है दबोच लिया, कोई मुलजिम है दबोच लिया। आप दबोच पे ज्यादा हंस रहे नहीं, इत्तफाक हो गया होगा। तो ये जो दबोच है उस नेगेटिव कंटेक्स्ट में, जो कंटेक्सचुलाइजेशन है सिलेबस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप अंदाजा लगाएं कि ये भी पंजाब में इस वक्त दबोच, बटोट, टकोर और बलोच, यानी आप एक बच्चे को बलोच, तो इट्स अ नेशन, इट्स अ कॉम, ये कोई एलिमेंट नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं, कोई मादा नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई एक यूनिट नहीं है, माय इट्स लाइक अ वेरी, तो आप पूरे किसी और कौम की कौमियत का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर दोबारा जो है मिल जाएगा। तो लग ये रहा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी या बायस किस्म से बनाया, लेकिन जिन लोगों ने बनाया है वो मेरे तरह के बहुत ही कमज़ोर सोशल साइंटिस्ट होंगे, जिनको ये पता नहीं होगा कि सोशल साइंस में बच्चे के लिए जो कंटेक्स्ट या कंटेंट जो हमने मुरतब करना है उसमें ये चीज़ ये मुनासिब नहीं है। वो इस बच्चे को सारी ज़िंदगी उसके जहन में रहेगा कि अगर दबोचना है तो फिर बलोच को दबोचना है, मतलब ये जो कंसेप्ट है उस बच्चे के जहन में कि ना फुटबॉल को भाई दबोचो, तुम किसी दरख्त को दबोचो या किसी और चीज़ को, लेकिन शुरू से कंसेप्ट ये आएगा कि कोई बलोच ऐसी चीज़ है जो दबोचने के लिए, वो जो है टकोर करने के लिए, उसकी मुरम्मत करने के लिए। तो ये किताब है, ये अभी इस सिलेबस में इस वक्त पंजाब के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और फिर हमें ये कहा जाता है, हमें बारह कहा जाता है कि आप जो कौमी यकजहती है, लहजा उसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल कैरिकुलम है, नेशनल सिंगल कैरिकुलम है, जो वो पढ़ाए जाएं। आप एक इनकी रिसोर्सेज की किताब है, वो मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसमें क्लास सोम की इनकी मेरे ख्याल एक किताब है जिसमें रिसोर्सेज का जिक्र है ग्रेड थ्री की, उसमें आप जाएं पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज की बात आपको मिलेगी। ये जो गैस का रोना धोना यहाँ पे अराकीन असेंबली कर रहे थे, हमारे गैस का जिक्र आपको नहीं मिलेगा उसमें, कि पाकिस्तान को रोशनियां, पाकिस्तान की सनती तरक्की, पाकिस्तान को इस जगह तक पहुंचाने में बलूचिस्तान की गैस ने जो किरदार अदा किया है, इस पे मैं कहता हूं कि आप अगर 1000 किताबें भी लिख बैठे हो कम है, यानी खरबा डॉलर का जो है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बेनिफिट और प्रॉफिट, अगर गैस खुदा ना खास्ता नहीं होता, हमारी हालत अफगानिस्तान बहुत आगे, हमारी हालत पाकिस्तान की आप तस्वीर नहीं कर सकते किस जगह होती। इतनी बड़ी इकोनॉमी को बेनिफिट दी, आज तक ये क्रेडिट डिसक्रेडिट किया जाता है, एक क्रेडिट जो आपको रिसोर्सेज के हवाले से आपके सिलेबस में निसाब में डालने की कोशिश नहीं की गई, जामदुर्रक से लेकर मस्तवक्ली से लेकर, चलो भाई आप हमारे सूरमा, हमारे जंगजू, हमारे जो हैं वो फातहीन, या हमारे जो हैं बादशाह, हमारे आकिम, या हमारी तारीख के जो बड़े बड़े जो हैं सूरमा हैं, उनका जिक्र नहीं करते। आपको हमारे शायर, अदीब, दानिश्वर, सूफी, मलंग, औलिया जो बलोचिस्तान के, उनका जिक्र भी आपको नेशनल करिकुलम में नहीं मिलेगा।